हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तरन दी राइडर ब्लॉग। सो गाइस, आज आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल अफगानी चिकन की रेसिपी। सो गाइस, फटाफट बनाते हैं अपना अफगानी चिकन और इंजॉय करते हैं। सो गाइस, हम पहले लगाएंगे छोटी सी पहले मैरिनेशन। पहले हम इसमें डालेंगे, ये मैंने 1 किलो चिकन लिया है, इसमें हम पहले डालेंगे आधा चम्मच नमक का और साथ में डालेंगे इस पे हम डालेंगे 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसमें डालेंगे हम 1 नींबू आधा स्क्वीज करेंगे इसके ऊपर और इसको हम करेंगे हाथ से अच्छा मिक्स। ये हमारी पहली मैरिनेशन है। एक मैरिनेशन और लगाएंगे हम, छोटी सी है वो भी। 4 या 5 स्टेप है पूरे इसमें, पूरे प्रोसेस में, रेसिपी में। इसको हम रखेंगे साइड पे ताकि जो हमारी मैरिनेशन है वो अच्छे से चिकन में लग जाए। तो जब तक ये रेस्ट करता है तब तक हम क्या करेंगे। सो गाइस, पहले हम लेंगे एक जार, इसमें हम डालेंगे धनिया, धनिया की अच्छी मात्रा डालेंगे हम। साथ में हम डालेंगे इसमें 2 मीडियम साइज के प्याज और इसमें डालेंगे हम 1 मिर्च डालेंगे, भीगे काजू। काजू डालना जरूरी है, अगर आपका काजू नहीं है तो आप मूंगफली डाल सकते हो, पिस्ता डाल सकते हो, मगर डालना जरूरी है बिकॉज ये पूरे मतलब सबसे ज्यादा चीज़ों को बाइंड अप करेगा। और साथ में हम इसमें डालेंगे 2 चीज़ क्यूब, ये बाजार में आप खाते हो ना टेंडर से सॉफ्ट से अफगानी चिकन खाते हो, इसी से होता है, वो बताते नहीं है बट ये दोनों चीज क्यूब डलती हैं, काजू और ये अपने चीज क्यूब जरूर डालना, बहुत बड़ी बढ़िया बनेगा, बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा चिकन का। अब इसको हम करेंगे पहले ब्लेंड अच्छी तरह। सो गाइस, हमारा ये हो गया ब्लेंड, देखो कितनी बढ़िया सी पेस्ट बनी है। सो गाइस, अब हम क्या करेंगे, हमने लिया 1 चिमची ली है परात ली है, इसमें डालेंगे हम, अब इसमें हम डालेंगे 200 ग्राम दही, डालेंगे अब क्रीम। अगर आपके यहाँ क्रीम नहीं है तो आप मलाई भी डाल सकते हो, 2 से लेकर 3 चम्मच भर के बड़े बड़े। और अब इसमें जो हमने पेस्ट बनाया था वो डालेंगे इसमें। सो गाइस, इसको थोड़ा चटपटा बनाने के लिए हम डालेंगे इसमें आधा चम्मच नमक का, 1 चम्मच कसूरी मेथी का, 1 चम्मच डालेंगे इसमें हम चाट मसाला, आधा चम्मच हम डालेंगे इसमें काली मिर्च का, इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरे का पाउडर और डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाले का और इसे हम अच्छे से पहले मिक्स करेंगे। सो गाइस, अच्छी तरह हो गया हमारा मिक्स। अच्छा, 1 मोर थिंग, नमक हमने और डाला है और साथ में थोड़ा सा जीरा भी डाला है और कसूरी मेथी डाली है, वो आपने साथ में देख लेना, अगर कम ज्यादा हो तो कर लेना। नमक इसे कम डाला था क्योंकि नमक ज्यादा हो जाएगा तो निकल नहीं पाएगा, अगर कम होगा तो आप डाल लोगे। तो गाइस, ये हो चुके अच्छे से मिक्स, देखो कितना बढ़िया लग रहा है, शानदार लग रही है देखो। सो गाइस, अब हम क्या करेंगे, अपने चिकन के पीसेस जो हमने मैरिनेट कर रखा है चिकन, अब उसमें डालेंगे अच्छी तरह, पूरा डालेंगे, ये पूरा 1 किलो चिकन है, पूरा डालेंगे। और इसको हाथ से आप पूरा कोट करेंगे, चम्मच से मत करना, हाथ से, चम्मच अच्छी तरह नहीं होता, हाथ से करना, हाथ से अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। तो देखो ये अच्छी तरह से हो गया मैरिनेट, था अच्छा चिकन पे सारा अपना हमारा मैरिनेशन लग चुका है। सो गाइस, अगर मैरिनेशन ज्यादा होगी कोई दिक्कत नहीं है, इस मैरिनेशन एक और डिश बन सकती है, वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा इसे कौन सी डिश बन सकती है एक और। सो गाइस, इसको आप रखते हैं 10 मिनट साइड पे ताकि रेस्ट कर सके, ताकि जितने भी हमारे मैरिनेशन के जूसेस हैं सारे हमारे चिकन के अंदर आ सके, अच्छा लग जाए, ताकि हमारा जो चिकन है वो जूसी और टेंडर बनेगा, बहुत बढ़िया बनेगा। सो गाइस, हमारे चिकन को रेस्ट करते हैं, 10 मिनट हो चुके हैं। हमने यहाँ लिया पैन, पैन में डालेंगे यहाँ 1 चम्मच देसी घी का, साथ में हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच बटर का। सो गाइस, हमारा जो मक्खन है वो अच्छा हो चुका गर्म, गैस को रखना है मीडियम पे या हाई पे, लो पे मत रखना, नहीं तो जो चिकन है वो पानी छोड़ देगा और रबड़ जैसा लगेगा। अब हम क्या करेंगे, हमारा चिकन है इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हो गया अच्छी तरह मिक्स, अब एक एक पीस करके डिश में डालेंगे। और इसको ना 4 से 5 मिनट एक तरफ पकड़ने देंगे, बार बार उल्टा सीधा नहीं करेंगे,
एक तरह से 4 से 5 मिनट पकने देंगे, इसको हिलाना बिल्कुल नहीं है। तो गाइस हमारे चिकन को बनते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं एक तरफ से, अब इसको चेंज उलटाते हैं। और अच्छा वन मोर थिंग, सर ये वैसे तो बनता है तंदूर में, मेरे पास तंदूर है पर हर बंदे का तंदूर नहीं होता, इसलिए हम गैस पे बना रहे हैं। कुछ उलटाते हैं, कलर देखो इसका अच्छी तरह, ये देखो इतना बढ़िया आ रहा है। हाँ हाँ क्या बढ़िया कलर आ रहा है चिकन का। तो गाइस खुशबू इतनी तगड़ी आ रही है ना चिकन की कि हम एक पैन और ले आए हैं, यहाँ किसी रुका नहीं जा रहा तो दूसरा पैन भी ले आए हैं, इसमें भी बनाएंगे हम। अभी इसे भी 5 से 6 मिनट हम इसको एक तरफ से पकने देंगे, फिर इसको पलटेंगे। तो गाइस हमारे यहाँ पर अफगानी चिकन हो गया तैयार, इसी करते हैं प्लेटनिंग। प्लेटनिंग करने पहले एक छोटा सा काम और करते हैं, वो मैं आपको बताऊँ क्या करना है। सो गाइस यहाँ पर हम लेंगे बाउल, अपना जितना अफगानी चिकन बनाया उसको उसमें डालेंगे, बाउल में डालेंगे। अब इसमें डालेंगे हम मक्खन और साथ में डालेंगे एक चम्मच हम डालेंगे इसमें क्रीम या मलाई, बस इसको अच्छे से पहले मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास धनिया हो तो धनिया भी हल्का चॉप के आप डाल सकते हो। सो गाइस देखो कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है, क्या बढ़िया बनाई जा रही है। सो गाइस यहाँ पर हो चुकी है हमारी प्लेटिंग, आप लोग भी ऐसे बनाना बिल्कुल, सर्दी दिन चल रहे हैं ना बना के खाना, जितनी छुट्टी हो ना पूरी फैमिली बना के खाना, मैं सच्ची कह रहा हूँ मज़ा आ जाएगा। अगर कोई आपके घर मेहमान आता है उसको बना के खिलाना, आपसे जरूर पूछेगा इसकी रेसिपी, बिल्कुल गारंटी है मेरी। सो गाइस अगर आप भी जरूर बनाना और कमेंट कर देना कैसा बना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। सो गाइस सी यू नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।